टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो नोट्स बना रहे हैं ना, फरवा टॉप कर लेगी। आई विश ऐसे ही हो जाए, मुझे अच्छा लगेगा फरवा से हारना। जुहेब, हम दोनों ने मिलकर एक साथ प्रोजेक्ट पे काम करना है ना, तो अगर ये फजूल काम खत्म हो गया तो थोड़ी पढ़ाई कर ले। फिर तुम जुहेब में इंटरेस्टेड हो तो फिर शामीर के साथ दोस्ती और उसके साथ घूमना ये सब क्या है? शामीर ना मेरे लिए एक तुर्क का पत्ता है जिसे मैं सिर्फ अपनी मॉडलिंग के लिए यूज कर रही हूँ। टारगेट ना शुरू से मेरा जुहेब था। सर, असाइनमेंट के अलावा हमारी हर चीज पे तवज्जो है, सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए, कैसे सबमिट होगी असाइनमेंट? अरे हो जाएगा कंप्लीट, टेंशन नहीं लो। कैसे होगा, दो दिन हम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं, इतनी जल्दी कैसे होगा, अचानक से हो जाएगा। हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो हो जाएगी कंप्लीट, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैडम, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि असाइनमेंट पे काम बहुत ज्यादा है और हमारे पास अभी वक्त नहीं बचा। कितना रह गया असाइनमेंट? अब मैडम अभी तो आधा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा करो कि जुहेब से कहो कि हॉस्टल आ जाए, अच्छा लड़का है वो। उससे ये बात मैं आज कर चुकी हूँ, लेकिन उसने कहा कि इस तरह हॉस्टल आना आपके बनाए रूल्स के खिलाफ होगा। आप चाहे तो आप खुद उससे ये बात कर सकती हैं। यानी कि तुम्हारा वहां जाकर पढ़ने के अलावा कोई हल नहीं? सब आपके सामने है मैडम। ओके, ऐसा करो अपनी अम्मी से मेरी बात करवा दो, उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जी जी, मैं अभी फोन पर आपकी बात करवा देती हूँ, एक सेकेंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा, मैंने आपको बताया था ना। जी 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 जी, मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। ओके मैडम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरी बेटी पे मुकम्मल भरोसा करें, वो कह रही है पढ़ना है तो पढ़ेगी, इसीलिए तो खुद से इतनी दूर भेजा है मैंने। आप उसे जाने की इजाजत दे दे। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि बच्चियाँ अपने घरों से इतनी दूर आई हैं तो फिर वो पढ़ने में भी दिल लगाएं। ठीक है, मैं इजाजत दे देती हूँ उसे। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच मैडम, मैं जाऊं? ठीक है, जाइए। ओके। महा, तुम यहां आओ और मैं तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए पूरे हॉस्टल में धंधनाती फिर रही हूं। कैसी न्यूज? न्यूज नहीं, गुड न्यूज है। मैं ना जुहेब के घर जा रही हूँ, वो भी कंबाइंड स्टडी के लिए। आई एम सो हैप्पी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आई एम श्योर कि तुम दोनों मिलके बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लोगे। तुम्हें बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। एक बात बोलूं सहर? अपनी जिंदगी के टारगेट्स बड़े करो, छोटी छोटी बातों में लगी रहोगी तो जिंदगी बेमकसद हो जाएगी। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। यार सहर, इस माहा को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। वो कैसे? जब मैं जुहेब और उसकी फैमिली की आंख का तारा बन जाऊंगी ना, तब जरूर पड़ेगा। ये बात भी है। आई नो यू। बाकी सारा चीज पकड़ लिया ना तुमने? हाँ, बाकी सब तो हो गया, कि सिर्फ एक। हाय। हेलो।
कैसी हो रही है तैयारी? बहुत अच्छी। वेरी गुड। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न्यू नोट्स लाई हूँ, इसको लाजमी देख लेना। थैंक यू सो मच। हो गया तुम्हारा? हाँ तो फैसल, हम कहाँ थे? हम कह रहा था कि ये वाला हमने हाईलाइट किया तो तुम। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो वाले जो चैप्टर था ना, उसके नोट्स नहीं बनाए अभी तक, वो बनाने। तुमने उसका नोट्स नहीं लिया है? मरा, कोई हाल नहीं तुम्हारा। इधर आओ फैसल, दिखाते हैं तुमको, जल्दी आओ। ये है ना, इस वाले को इसको करना, और ये वाला जो क्वेश्चंस है ना, इसको यहाँ पर आंसर करना। ओके, पर ये तो मुझे आता है, ये तो तुम भी कर सकते हो। हम तुम्हारी जगह पेपर तो नहीं देगा ना, एग्जाम तो तुमने देना है। मरा, हम ही समझदार है, तुम भी क्या बोले अभी। वैसे माहा, तुमको पता है तुम्हारा नोट्स पूरा पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। मैं तो फरवा को भेज रही हूँ। फरवा को तो भेज रहे, फरवा के साथ साथ पता नहीं और कहाँ कहाँ जा रहा है तुम्हारा नोट्स। चलो अच्छी बात है, लोगों का भला हो रहा है। मैं फरवा को फोन करके आती हूँ, उससे पूछूं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो? देख ले, ये होती है पॉजिटिव सोच। भलाई है आखिर जिसका भी हो। हाँ क्यों नहीं। वैसे सुनबुल, हम देख रहे तुम कुछ वेरी मच भला नहीं कर रही हो उस फैसल का। वैसे हम तुमको बता रहे, भलाई का जमाना नहीं है। हाँ, क्या मतलब? मेरा मतलब है वो नया है यूनिवर्सिटी में, मैं तो बस थोड़ा सा सपोर्ट कर रही हूँ उसको, और कुछ नहीं। मरा, वो कोई नन्ना मुन्ना छोटा सा काका नहीं है जो हर टाइम उए उए करता है नया नया। वो यूनिवर्सिटी में नया आया, इस दुनिया में नया नहीं आया है, और उससे पहले भी पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आया है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात तो है, लड़का तो अच्छा है। चाय पियोगी? चाय वो तुम ही पियो, और अपना लीवर और स्टमक को खराब करो। हम तो ग्रीन टी पिएगा, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखेगा। चलो सिखाती हूँ आज मैं तुम्हें चाय बनाना। चलो चलो चलो। महा, सलामकुम महा, कैसी हो तुम? महा मुझे नोट्स मिलते रहते हैं, अभी वाले भी मिल गए मुझे। थैंक्स यार। मुझे सलाम का जवाब तो देने दो। वालेकुम अस्सलाम। तैयारी कैसी जा रही है? तैयारी? तैयारी बस ठीक है महा। क्यों, मेरे दिए हुए नोट्स समझ नहीं आ रहे? नहीं महा, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी, बस मुझे मोबाइल से पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो तुम फोन से क्यों पढ़ रही हो, प्रिंट आउट निकालो ना। कौन लेकर आएगा महा मेरे लिए, मैं मोबाइल से पढ़ रही हूँ, यही काफी नहीं है मेरे लिए? तुम मुझे पहले बता देती, मैं प्रिंट आउट्स भिजवा देती। तुम भी ना। खैर छोड़ो, मैं कुछ करती हूँ। ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो, कैसे हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत आपने कॉल की? क्यों, मैं आपको कॉल नहीं कर सकती? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपने पहली दफा कॉल की ना, इसलिए। वैसे कर क्या रहे थे तुम? कुछ नहीं, बस स्टडी कर रहा था। स्टडी कर रहे थे बिना बुक्स के? आपको कैसे पता कि मेरी बुक नहीं मिल रही? क्योंकि वो मेरे पास है। मतलब गलती से मेरे पास आ गई है। एक्चुअली बस मैंने अभी चेक किया कि मेरे बैग में थी, इसलिए आपको कॉल कर ली। ओह खैर, कोई बात नहीं, मैं आपसे कल ले लूंगा। कल क्यों? मेरा मतलब है, ये मामला कल पे क्यों छोड़ रहे हो? आज की रात जाया हो जाएगी ना तुम्हारी। हाँ तो पढ़ाई भी करनी होगी। मैं क्या कह रही हूँ, तुम ऐसा करो कि अभी बुक लेने आ जाओ। अभी? अच्छा ठीक है। अच्छा तुम्हारे पास हॉस्टल का एड्रेस तो होगा नहीं, तो मैं तुम्हें अभी लोकेशन भेज रही हूँ, ठीक है? हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा। आ जाओ अभी, ले लेता हूँ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। शर्फू चाचा। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मौला खुश रखे, ठीक हूँ। शर्फू चाचा, ये बहुत अहम नोट्स हैं, एड्रेस मैंने लिख दिया है, ये कोरियर करवाने हैं। हाँ जी करवा दूंगा जी। कब तक करवाएंगे? तो कल करवा दूंगा। आप कल करवाएंगे तो परसों पहुँचेंगे। फरवा के लिए नोट्स बनाए हैं, उसकी एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ओह इसका मतलब है मुझे अभी फौरन भाग के जाना पड़ेगा। अच्छा ये पैसे हैं, कोरियर के पैसे और आने जाने का खर्चा। ठीक है जी, ठीक है, अब भिजवा दूंगा। अब पहली दफा तो आपने कोई काम का है। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक, ये तो हो गया। ठीक, लोकेशन तो यही लग रही है, पूछ लेता हूँ। हेलो, आ गए तुम? हाँ मेरा ख्याल है आ तो गया हूँ। क्या मतलब मेरा ख्याल है? हाँ तुमने जो लोकेशन भेजी थी उसके हिसाब से तो आ गया हूँ, अब बाकी का मुझे पता नहीं, शायद पीछे वाले गेट पे खड़ा हुआ हूँ। अच्छा रुको, मैं शर्फू चाचा को नीचे भेजती हूँ। अगर तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है तो वो तुम्हें रिसीव कर लेंगे, इतनी देर में मैं भी आती हूँ नीचे। किताब लेते हुए आना प्लीज। जाहिर है फैसल। ठीक है, वेट भी करना पड़ेगा। कहीं जा रही हो? यू नो व्हाट, शहर को रोकना इतना आसान काम नहीं। बाय द वे, सुहेब से मिलने जा रही हूं मैं, बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की मगर बेचारे। ये रही तुम्हारी बुक। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें आने में परेशानी तो नहीं हुई? हाँ थोड़ी सी तो हुई, पर तुम्हें कॉल की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो दरअसल मेरी बुक इनके पास गलती से रह गई थी, बस वो लेने के लिए आया था। अच्छा अच्छा बैठो बैठो। कोई बात नहीं, तुम्हें पहले देखा नहीं कभी यूनिवर्सिटी में? हाँ दरअसल मैं माइग्रेट होके अभी आया हूँ इस यूनिवर्सिटी में, और मेरा नाम फैसल है। मैडम वो फैसल की बुक मेरे पास रह गई थी। बताया है मुझे फैसल ने, मिड टर्म्स की तैयारी के लिए तुम लोगों का ग्रुप बना है? नहीं मेरा ग्रुप तो चश्मान के साथ बना है। अच्छा तो
ये किताब गलती से ही सही जशवान के पास जानी चाहिए थी, तुम्हारे पास कैसे आ गई सुंबल? मैम वो हम पढ़ाई तो साथ ही करते ना यूनिवर्सिटी में, और होते भी साथ ही हैं, तो बस इसी वजह से। अच्छा, खैर फैसल पहली मरतबा आया है, इससे चाय पानी का कुछ पूछ लेना। जी मैम। ओके। तुम कितने बेवकूफ हो, ये बात बतानी जरूरी थी क्या? क्या? अच्छा सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई ना। अरे नहीं नहीं, तुम सॉरी ना बोलो, और वैसे भी गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। क्या पता ये गलती किसी ने जानबूझ के की हो। क्या मतलब? कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रही थी मैं। अच्छा मुझे बताओ, तुम चाय पियोगे? अरे नहीं नहीं, अभी तो लेट हो रहा है, अभी तो सिर्फ बुक लेने के लिए आया था। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके बाय। कहीं जा रही हो? यू नो व्हाट, सहर को रोकना इतना आसान काम नहीं। बाय द वे, सुहेब से मिलने जा रही हूं मैं, बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की मगर बेचारे। मुझे लगा तुम स्टडी के लिए जा रही हो। तुम्हें देख के लग रहा है कहीं से? यकीनन नहीं। गुड, मुझे तो तुम्हारी तैयारी से ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी पार्टी में जा रही हो। मैं ना आजकल के दौर की लड़की, और आजकल के दौर में डेडी सहमी दुपट्टे वाली लड़कियों को तो कोई पसंद नहीं करता, और जुहेब वो तो वैसे ही अमीर है, तो उन्हें वैसे भी ऐसी लड़कियां पसंद नहीं आती। पसंद का तो पता नहीं, लेकिन हाँ अमीर तो वो लोग हैं। तुम्हें पता है जब जुहेब माहा को ना अपने घर लेके गया था और उसकी मामा ने इतने सारे गिफ्ट दिए, और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें गिफ्ट देंगी? क्यों नहीं देंगी, वैसे मेरी नजर उन गिफ्ट्स पे नहीं है, पूरे के पूरे जुहेब पर है। वो मिल गया ना तो समझो सब मिल जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मिलेगा? जस्ट वेट एंड वॉच। बाय। छोड़ो मेरी कैब। अस्सलाम वालेकुम। अंदर जुहेब साहब को बुला दें कि सहर आई है। हाँ सर, आ जाओ। मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऑन टाइम हूँ। ओके। वाओ, बड़ा ब्यूटीफुल हाउस, ये सब तो बहुत कीमती होगा ना? मॉम सहर है, मेरी क्लास फेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका घर बहुत खूबसूरत है, बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत, और इंटीरियर भी कमाल का है। ये सब तो बहुत एक्सपेंसिव होगा नहीं? शहर पढ़ने के लिए आए हम, शुरू करें, देर हो रही है। चलो सर, इसमें से नोट्स देखना। करते हैं ना यार जुहेब, अभी तो आई हूं मैं। क्या मतलब, सारी रात थोड़ी बैठे हम लोगों ने यहाँ पे। अगर बैठ गए तो? क्या बोल रही हो तुम? मजाक कर रही हूँ। वैसे जुहेब तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो फिर तुम पढ़ाई करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्या मतलब है सर, इंसान सिर्फ पैसा कमाने के लिए थोड़ी पढ़ाई करता है। इंसान पढ़ाई इसलिए करता है ताकि मुआशरे में अपनी कोई कंट्रीब्यूशन दे सके।
अच्छा। और वैसे भी इंसान को सिर्फ काबिल होना चाहिए, काबिल इंसान के पीछे दौलत शोहरत सब आ जाती है। इंसान को सिर्फ काबिलियत के बारे में सोचना चाहिए और कुछ नहीं। मुझे ना ये बातें समझ में नहीं आती है। तुम ये तो बताओ, तुमने मेरा फोटोशूट देखा था? नहीं, मुझे कहाँ दिलचस्पी इन चीजों में। एटलीस्ट अपने क्लास फेलो का काम तो देख ही सकते हो। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम देख लूंगा। अब पढ़ ले। हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। पता है तबरेज, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जुस्तुजू में ही कोई खोट है। वरना तुम देखो ना कि जिस शहर में मैं रहती हूं उसी शहर में अगर मेरा बेटा है तो इतनी तगोदौ करने के बाद कोई तो सुराग मिलता, कुछ तो पता चलता। शायस्ता, किसी भी मां की जुस्तजू में कमी भला कैसे आ सकती है। सारी चीजें अपने वक्त पे ही हुआ करती हैं, बस ये बात याद रख लेना। मैं तो बहुत थक गई हूं, लगता है जैसे सदियों से इंतजार कर रही थी। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। शायस्ता, ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। तुम तसल्ली देते हो मुझे, मैं जानती हूं, मगर मेरी कैफियत कुछ ऐसी है, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। हाँ, तसल्ली देता हूं मगर झूठी बिल्कुल नहीं। और वैसे मैं आजकल देख रहा हूं कि तुम बहुत ज्यादा मायूस नजर आ रही हो, तुम कभी भी ऐसी नहीं थी। मायूसी? हाँ शायद। अच्छा अच्छा, अब तुम बहुत ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगाता हूँ। अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जुहेब, तुम्हारी अम्मी कितनी अच्छी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। दिल चाहता है उनसे ढेर सारी बातें करूं। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना कल आती हूँ, फिर मैं उनसे ढेर सारी बातें करूंगी। क्यों? शहर तुम जरूर आना, लेकिन मेरा ख्याल है जिस काम के लिए हम इकट्ठे हुए हैं आज, वो काम करना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए ना। हाँ तो कर लेंगे ना। याद लग तो नहीं रहा ऐसा। हाँ तो मैं हूं ना, डोंट वरी, हो जाएगा। हम्म, कैसे जा रही हो तुम? मैं कैब से जाऊंगी, बस वही बुला रही हूँ। आ गई है? हाँ बस आने वाली है, ऑनलाइन सर्विस बहुत फास्ट है, बस पहुंच ही रही है। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ता हूँ। नहीं नहीं जुहेब, तुम रिलैक्स करो ना, मैं चली जाऊंगी। हाँ तुम इजी रहो। ओके बाय जुहेब। या बाय। मैम, जब जुहेब का पैर सहर के साथ बना था तो मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि जुहेब के साथ रह रह के सहर भी पढ़ लेगी। लेकिन सहर कल रात शामीर के साथ, मैं नहीं चाहती कि हमें जिस चीज का डर है वो दोबारा से हो। हेलो,
शामिर कहाँ हो तुम? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जल्दी आओ यार। अजीब। वेट कर रही हूं मैं तुम्हारा। जुहेब, मुझे ये लड़की कुछ समझ में नहीं आई। जी मॉम, ऐसी ही है ये। वो माहा तो बहुत अच्छी लड़की है, इसमें और उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। जुहेब, ऐसी लड़कियों को घर बुलाना मुनासिब नहीं है। मॉम, कोई और ऑप्शन भी नहीं थी। एक्चुअली मेरा ग्रुप इसी के साथ बना यूनिवर्सिटी में, तो मना करना अच्छा नहीं लगा मुझे। इखलाकन मना करना भी नहीं चाहिए, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई। मैं तो समझी थी कि कोई महा जैसी होगी। महा तो बहुत डिफरेंट है मॉम। अपनी उम्र से काफी बड़ा सोचती है, काफी मैच्योर है वो। यू आर राइट, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे लोगों के गैदरिंग में इंसान की शख्सियत उभर कर सामने आती है। बस बुरे लोगों की गैदरिंग से बच के रहना चाहिए। आप बेफिक्र हैं मॉम, मेरी गैदरिंग बहुत अच्छी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरे बच्चे। तैयारी कैसी जा रही है? बस ठीक जा रही है। ठीक? ठीक क्यों? यार जिसके साथ मेरा ग्रुप बना है ना, वो पढ़ना ही नहीं चाहती, बस मेरा वक्त जाया करती है। तो शहर आई तो थी तुम्हारे घर ग्रुप स्टडी करने के लिए, वहां भी स्टडी नहीं की? नहीं। तो फिर क्या कर रहे थे? यार शहर ना बहुत अजीब है, बहुत चीप सी। I'm sorry मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन वो है ऐसी फैक्ट है। वो मेरे घर आई थी पढ़ने के लिए, लेकिन चीजें देखने में मसरूफ हो गई। मुझे तो चलो ये बात बुरी लगी, मामा को ये बात बहुत बुरी लगी है। और उसने किया क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ मोबाइल यूज करती रही, चीजें देखती रही। यार आप पढ़ने के लिए आए तो एटलीस्ट पढ़ तो लें। चलो टेंशन ना लो, हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो पढ़ाई की तरफ माइल हो जाए। मुझे नहीं लगता वहां। और एक बात ने मुझे और परेशान कर दिया है। वो क्या? तुम्हें पता है वापस किसके साथ गई थी? कौन? शामिर। यार मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, शहर दूसरे से डायरेक्ट मेरी तरफ आती है। खुदा ना खासा कुछ हो गया तो नाम मेरे पे आएगा। शामिर को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, शहर उसको तो तुम जानती ही हो। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी मुश्किल में पड़ूं। तुमसे मशवरा चाहिए, तुम्हारी हेल्प चाहिए। कुछ ऐसा कर दो कि शहर ना आए मेरे घर पढ़ने के लिए। जी मामू। बेटा ये तुम्हारे ये पार्सल आया। पार्सल? थैंक यू मामू जान। अरे कोई बात नहीं, जीत रहो बेटा।
यू महा। ये लड़की इस काबिल ही नहीं थी कि इस पे भरोसा किया जाता। मैम आप जुहेब को तो जानती हैं, वो बहुत फोकस्ड लड़का है, ट्रस्टवर्दी इंसान है, उसका पढ़ाई से फोकस कहीं नहीं जाता। हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है, यकीनन किसी नेक माँ बाप की औलाद है, और वो लड़की उसे भी परेशान कर रही है। मैम जब जुहेब का पैर सहर के साथ बना था तो मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि जुहेब के साथ रह रह के सहर भी पढ़ लेगी। लेकिन सहर कल रात शामीर के साथ, मैं नहीं चाहती कि हमें जिस चीज़ का डर है वो दोबारा से हो। और वैसे बहुत मुश्किल से हॉस्टल खुला है, सबके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैम कि प्लीज़ आप जुहेब को परमिशन दे दें कि वो हॉस्टल आके शहर के साथ पढ़ाई कर सके, ताकि इससे शहर की पढ़ाई भी मुतासिर ना हो और जिस चीज़ का हमें ख़तरा है वो भी टल जाए। प्लीज़ मैम सिर्फ कुछ दिन की बात है। तुम ठीक कह रही हो, शहर को मैं इजाज़त नहीं दे रही थी जब तक उसने मेरी बात अपने घर पर नहीं करवाई थी, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है कि उसने मेरी बात अपनी माँ से नहीं किसी और से करवाई थी। शर्फू मेरे कमरे में आओ। मैम क्या सोच रही हैं? दो मिनट रुको बताती हूँ। मौला खुश रख के आपने बुलाया मैडम। हाँ शर्फू, ये एक नंबर है, अपने फोन से आप डायल करो, और ये देखो ये नंबर है, अपने फोन से डायल करो, अपना इंट्रोडक्शन दिए बगैर, तारुफ करवाए बगैर ये पता लगाओ कि ये नंबर किसका है। स्पीकर ऑन करो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन? मैं अयाज बात कर रहा, सलमान से बात हो सकती है? अरे भैया किस नंबर पे कॉल कर दिया, कोई सलमान नहीं होता है। आप कौन बात कर रहे हैं? अरे सलमान नहीं हो भाई, क्यों तंग कर रहे हो? नंबर तो यही है यार, मैं शामीर बात कर रहा हूँ, आपने गलत नंबर डायल किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी, शुक्र कि पता चल गया, वरना ये लड़की पता नहीं क्या गुल खिला थी। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये इन नौजवानों के पास कितने तरीके होते हैं, कैसे कैसे तरीके होते हैं चीट करने के। जी मैम शुक्र है कि हमें इस बात का पता चल गया, मगर परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हमें इस बात का हल निकालना पड़ेगा। हल क्या निकालना होगा, बस इस हॉस्टल से बाहर जाना बंद। शहर के माँ बाप को बुलाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि लेके जाएं अपनी बेटी को अपने साथ। मगर मैम एग्जाम सर पर है, उसका बहुत बड़ा लॉस होगा। तुम्हें क्या लगता है शहर को इस बात का एहसास है? अगर उसको एग्जाम्स का एहसास होता तो वो इस तरह करती? मैम मुझे लगता है कि आप उससे प्लीज एक दफा बात करके देख लें, वरना उसका बहुत नुकसान होगा। करती हूँ। क्या हो गया, जलजला आ गया क्या? सहन जलजला ही आ गया। तुम्हें ना वार्डन मैडम बुला रही हैं। क्या हुआ, फिर क्या मुसीबत आ गई? तुम ना जो जुहेब के साथ यूनिवर्सिटी के बाद जाती हो ना,
वार्डन मैडम को साफ पता चल गया और अब वो तुम्हें बुला रही हैं। क्या? मगर उन्हें कैसे पता चला ये सब? मुझे बाकी तो नहीं पता, लेकिन हाँ माहा को मैंने अभी वार्डन के रूम में बैठे देखे। माहा की बच्ची, इसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन अभी छोड़ो यार, जाओ ऑफिस में, वार्डन मैडम बुला रही है तुम्हें। जाती हूँ। क्या मुसीबत आ गई है यार। ऐसे मेरा कितने और चांसेस दूं तुम्हें शहर में, कितने और चांसेस दूं बताओ मुझे। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे और इस हॉस्टल से कोई पुरानी दुश्मनी निभा रही हो। मैडम ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो कंबाइन स्टडी के बाद मैंने शामी से ड्रॉप लिया था, यही गलती है मैडम, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उस गलती की माफी देते हुए तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन जो खेल तुमने मेरे साथ खेला है वो नाकाबिले माफी है। उससे पता चलता है कि तुम्हारे जहन में और क्या क्या है। ये बताओ कि फोन पे तुमने किससे बात करवाई थी मेरी?